देश के सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक इस वक्त पिछले 5 साल के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। 800 मिलियन की आबादी को सब्सिडी पर अनाज देने वाली सरकारी मशीनरी पर अब आने वाले दिनों में काफी दबाव बढ़ने वाला है। किसानों ने अभी तक गेहूं की बुआई नहीं की है और अगली फसल 15 मार्च के बाद ही बाजारों में आने की उम्मीद है। रोजमर्रा की चीजों, सब्जियों समेत अन्य सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। FCI के आंकड़े बताते हैं कि इस मौसम ने सर्दियों में बोई गई गेहूं और चावल की फसल दोनों को खराब कर दिया है, जिससे कीमतें 22 महीने के ऊंचले स्तर पर पहुंच गई है। FCI ने गुरुवार को डाटा जारी कर कहा था कि 1 अक्टूबर तक अनाज का कुल स्टॉक 51.14 मिलियन टन रहा है, जबकि पिछले साल यह 800 टन से ज्यादा था, जिसमें गेहूं का स्टॉक 227,05,000 टन है। वहीं दूसरी ओर बफर स्टॉक और चावल भंडारण में थोड़ी वृद्धि हुई है। 205,02,000 टन के साथ बफर स्टॉक में 66% की वृद्धि देखने को मिली है। इसी तरह चावल का स्टॉक आवश्यकता स्तर से लगभग 2.8 गुना अधिक है। FCI का मानना है कि 4 साल पहले की तुलना में सरकारी गोदामों में इससे ज्यादा अनाज उपलब्ध रहता था, इस बार न काफी है। चावल का स्टॉक पहले घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन गेहूं का स्टॉक 14 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। दरअसल सरकार किसानों से अपने लक्ष्य का लगभग आधा ही गेहूं खरीद सकी है। इसके पीछे बड़ी वजह यूक्रेन रूस युद्ध के चलते उच्च निर्यात मांग के कारण किसान निजी व्यापारियों को स्टॉक बेच रहे हैं। उधर मार्च में एक लंबे समय तक गर्मी की वजह से गेहूं का उत्पादन कम देखने को मिला, जिसके बाद सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए मई में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि सप्लाई कम हो गई। सरकार ने पिछले महीने 20% का निर्यात शुल्क लगाते हुए विदेशी चावल शिपमेंट पर भी अंकुश लगाया। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की उपभोक्ता महंगाई दर सितंबर में वार्षिक आधार पर 5 महीने के उच्च स्तर 7.41% पर जा पहुंची है, जबकि पिछले महीने इसमें 7% की वृद्धि हुई थी। उधर खुदरा कीमतों में उछाल का व्यापक असर सितंबर में खाद्य कीमतों में देखने को मिला। अनाज, दालें, सब्जियां, दूध सबकी कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सितंबर में भी खाद्य मुद्रास्फीति 22 महीने के उछले स्तर पर 8.4% पर जा पहुंची, जिससे कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार पर काफी दबाव बना। भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने कहा है कि सब्जियों की कीमत पर बारिश का बेमौसमी प्रभाव अब स्पष्ट हो चुका है। आगे चलकर देश के विभिन्न हिस्सों में अनाज उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश अनाज और सब्जियों की कीमतों पर आने वाले समय में काफी बड़ा प्रभाव डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।